मेजर जो लोग हैं बॉलीवुड के अंदर एंटी नेशनल है। मालदीव के ऊपर एक खान ने स्टेटमेंट दिया है, वो है सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इंडियन है ही नहीं, इनका जो खून का रंग है किसी का पाकिस्तानी है किसी का टर्की है। तो हिंदुस्तानियों को इनके पिक्चरों को बैन करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इनकी फॉलोइंग भी है कोहली की, क्योंकि इसके अंदर नेशनलिज्म है ही नहीं विराट कोहली का। इनकी पार्टी के लोगों ने वहां पे अपोजिशन के पार्टी के लोगों को पीटा, साथ इनकी सिक्योरिटी के लोग उन्होंने उनको पीटा। उनको ख्याल है कि चाइना ने उनको पैसे दिए तो मैं चाइना का गुलाम हो गया, इंडिया का सिक्योरिटी का इशू है, इंडिया ने बहुत से इन्वेस्टमेंट किए मालदीव के अंदर, बहुत सा पैसा दिया, तो आराम से तो हम जाएंगे नहीं वहां पे। अगर हमने इस टाइम पे यूएस को उसकी औकात दिखा दी, हमने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी, हमने चाइना को उसकी औकात दिखा दी, तो हम क्या मालदीव को उसकी औकात नहीं दिखा सकते? इंडिया ने प्याज के ऊपर बैन लगाया हुआ, लेकिन इंडिया मालदीव को प्याज सप्लाई कर रहा था, लेकिन वो प्याज इंडिया ने अफगानिस्तान भेज दिए, तो मालदीव को कुछ नहीं मिलेगा, ना इंडिया देगा ना लेगा, हमें मालदीव से तो कुछ सवाल लेते नहीं है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मालदीव जो भारत को आंख दिखाने लगा था, अब उसकी बोलती बंद हो गई है। जो वहां के प्रेसिडेंट थे, अब उन्हीं की जो कुर्सी है उस पर खतरा मंडराने लगा है और ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही वहां पे एक नया प्रेसिडेंट आ सकता है। भारत को 15 मार्च तक का टाइम दिया हुआ कि यहां से निकल लो, अपने सैनिकों को निकाल लो, तो क्या यहां पे ऐसे लगता है कि अभी नया प्रेसिडेंट बनेगा? और अगर नया प्रेसिडेंट बनता है तो क्या वो भारत की जो सेना वहां पर है उसको वहां पर रोकने में या फिर जो प्रेसिडेंट ने उनके साथ जो डील कर लिए फिर सेना को बुलाना ही पड़ेगा वापस? देखो ऐसा है, कोई हमारी ऐसा नहीं है, सेना हमारे हजारों सैनिक बैठे हैं वहां पे, सिर्फ 88 इंडियन आर्मी के लोग या एयरफोर्स के लोग बैठे हैं, और वो क्या कर रहे हैं वहां पे? कोई कूतोली करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ इनकी हेल्प कर रहे हैं। जैसे वहां पे रडार लगे हैं, 8 रडार लगे मालदीव के अंदर, जो मालदीव की सिक्योरिटी करते हैं और इंडिया की भी सिक्योरिटी करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं। और वहां पे इंडिया ने इनको 2 हेलीकॉप्टर दिए थे, और हेलीकॉप्टर इसलिए दिए थे कि एक जगह से दूसरे आइलैंड में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इनके आइलैंड बहुत सी हैं, शायद 1200 आइलैंड है मालदीव की, तो एक जगह से दूसरी जगह आइलैंड में जाने के लिए हेलीकॉप्टर को यूज किया जाता उनके वेलफेयर के लिए। और पीछे एक लड़का था, 12 साल का लड़का था, उसको जाना था हॉस्पिटल के अंदर, इमरजेंसी थी, तो उस हेलीकॉप्टर में जाना था, लेकिन मीजू ने मना कर दिया उनके प्रेसिडेंट ने कि हम इंडियन हेलीकॉप्टर को यूज नहीं करेंगे। उस लड़के की डेथ हो गई और मालदीव के अंदर बहुत शोर मच गया कि आप अपने लोगों की हेल्प नहीं कर सकते, इनके इंटरेस्ट को नहीं देख सकते। आप देखिए इंडिया के अंदर एक अगर बोर में बच्चा फंस जाता है तो उसके लिए भी पूरा दम लगा दिया जाता है। एक टनल के अंदर लोग फंस गए थे, वहां पे 13 या 14 दिन काम होता रहा और उनको निकाल के दम लिया। तो ये इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसी तरीके से काम करती है, लेकिन बीजू अपने लोगों को मार रहे हैं, उनको अपनी जनता का ख्याल नहीं है। उनको ख्याल है कि चाइना ने उनको पैसे दिए तो मैं चाइना का गुलाम हो गया, वो चाइना की गुलामी कर रहे हैं। अब देखिए ये सैनिकों के वापस आने की कोई इशू नहीं है, सैनिक उनकी मदद के लिए गए थे और मदद के लिए बैठे हैं। और इससे पहले देखिए नवंबर 1988 को एक अब्दुल गयूम वहां के प्रेसिडेंट थे, वहां पे कू हो गया, कुछ मालदीव की आर्मी के लोग वो साथ में थे, और कुछ LTTE जो श्रीलंका के अंदर है उसके ब्रेक अवे ग्रुप उसके मेंबर थे, उन्होंने मिलकर वहां पे कू कर दिया। तो उन्होंने उस टाइम पे राजीव गांधी को फोन किया जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, तो राजीव गांधी ने इमीडिएटली वहां पे 200 कमांडोस भेजे, 2 प्लेन भेजे, और जब कमांडोस वहां पे लैंड किए तो सारे के सारे लोग वहां से भाग गए। और फिर हमने उन लोगों को वहां से रेस्क्यू भी किया, इनको रेस्क्यू किया और जो लोग भागे थे उनको पकड़ लिया सी वाटर के अंदर ही, सी के अंदर ही, और कुछ श्रीलंका के अंदर भी पकड़ लिया हमने तो हमने इस तरीके से उनका मदद किया। 2004 में यहाँ पे क्राइसिस आ गए थे मालदीव के अंदर, पानी खत्म हो गया था, इनका पावर प्लांट खत्म हो गया था, क्योंकि ये सी का एरिया है, यहाँ पे सी से पानी निकाला जाता है और उसको पीने के काबिल बनाया जाता है। तो इंडिया ने बहुत से शिप्स भेजे, प्लेन भेजे, इमीडिएटली पानी भिजवाया वहां पे, और उसके बाद वहां का जो मशीन थी उसको ठीक किया। लेकिन मीजू जब पावर में आए दिसंबर 2023 में, तो उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी के लोग हटा दो, एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे इंडिया के खिलाफ, और ऐसा कर रहे थे जैसे इंडिया वहां पे कू करने वाला है या इनको परेशान कर रहा है। इंडिया का सिक्योरिटी का इशू है, इंडिया ने बहुत से इन्वेस्टमेंट किए मालदीव के अंदर, बहुत सा पैसा दिया, तो आराम से तो हम जाएंगे नहीं वहां पे। और दूसरी बात है कि इनका एक पर्पस ये नहीं है कि अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को देखना, ये बात चाइना को लाना चाहते हैं, और चाइना हमारा दुश्मन है, तो इंडिया आराम से तो कोई चीज छोड़ेगा नहीं, और आराम से मालदीव को भी नहीं छोड़ेगा। अगर हमने इस टाइम पे यूएस को उसकी औकात दिखा दी, हमने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी, हमने चाइना को उसकी औकात दिखा दी, तो हम क्या मालदीव को उसकी औकात नहीं दिखा सकते? बिल्कुल दिखा सकते हैं, और औकात दिखाएंगे भी, क्योंकि इनकी एक तो इकोनॉमी कम है, एक इनके पास पैसा कम है, टूरिज्म पे कंट्री चलती है। फिर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को गाली देंगे तो हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? इससे पहले जो बीजू से पहले जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, वो थे अब्दुल्ला सोली, वो प्रो इंडिया थे और इंडिया उनको हेल्प भी करता था। और उससे पहले भी इनके एक दूसरे प्रेसिडेंट आए थे अब्दुल्ला यमीन, वो भी एंटी इंडिया थे 2013 से 2018 तक, वो भी चाइना के पाले में जाना चाह रहे थे और इंडिया के साथ दुश्मनी कम नहीं कर रहे थे, चाइना के साथ दोस्ती कर रहे थे।
लेकिन पावर से हटने के बाद वो करप्शन के चार्जेस पे जेल में चले गए और इस टाइम भी वो जेल में है। और अब जो बीजू आए हैं ये एंटी इंडिया कैंपेन कर रहे हैं, ऐसा शो कर रहे हैं वर्ल्ड को कि यहाँ पे इंडिया इनको बहुत दबा रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, जबकि इंडिया इनकी हेल्प कर रहा है। तो अब इनके अपोजिशन के एमपी इनके सामने खड़े हो गए। आपने कुछ वीडियो देखा होगा जब पार्लियामेंट के अंदर कुछ डिस्कशन हो रही थी, बात हो रही थी, तो इनकी पार्टी के लोगों ने वहां पे अपोजिशन के पार्टी के लोगों को पीटा, साथ इनके सिक्योरिटी के लोग उन्होंने उनको पीटा, मारपीट हो गई, ऐसा लगा जैसे हुड़दंग मच रहा है मालदीव के अंदर। और ऐसी सिचुएशन किसी पार्लियामेंट के अंदर देखी नहीं गई, घूसे रात सब चल रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि कई बार होली खेल रहे हैं आपस में। तो एक अब अपोजिशन जो है इनके खिलाफ एक इम्पीचमेंट की मूव लेके आई है और वहां पे 2-3 महीनों के बाद इलेक्शंस होने हैं, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है यूएस की तरह, ये प्रेसिडेंट तो बन गए लेकिन पार्लियामेंट के अंदर इनकी पार्टी को सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट कम है। और अब जब इलेक्शन होंगे नेक्स्ट तो इनका क्या प्रो चाइना एजेंडा चलेगा, मुझे तो डाउट है। क्योंकि आप इंडिया से दुश्मनी क्यों कर रहे हो? क्या इंडिया ने आपके ऊपर कोई अटैक किया? क्या इंडिया ने आपके कोई पैसे खा लिए? हमने तो आपकी मदद की है। जब यहाँ पे सिचुएशन खराब थी, कोविड हुआ था, पैसे नहीं थे इनके पास उसकी मेडिसिन खरीदने के, तो इंडिया ने इनको फ्री कोविड बांटी थी और इंडिया हमेशा मालदीव की मदद करता रहा। लेकिन आप मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, टर्की चले जाते हैं पहली बार कि टर्की से हमको ड्रोन दे देगा, लेकिन टर्की यहाँ से 12 टाइम ज्यादा है इंडिया का जो डिस्टेंस है टर्की से। और फिर ये चाइना चले गए, चाइना का डिस्टेंस भी इंडिया के मुकाबले 8 टाइम ज्यादा है। और इंडिया क्या, आपके पास क्या है कंट्री के अंदर? कुछ नहीं है। तो अभी सूद सर एक ये भी खबर आई थी कि चाइना का एक जो जासूसी जहाज है वो भी मालदीव पहुंचने वाला था, और जब वो वहां पे पहुंचेगा, इसकी क्या डील करके आए हैं ये जो राष्ट्रपति हैं मालदीव के वहां पर, तो क्या वो जासूसी शिप वहां पर पहुंचेगा? अभी तक तो ये बताया गया था कि उसको बीच में रोक लिया गया है। और क्या भारतीय सैनिक वहां पे 15 तारीख से पहले आ जाए, क्योंकि इलेक्शन होने में भी काफी टाइम है, लेकिन जब भारतीय सैनिकों को बाहर भेजने की डेट है वो बहुत नजदीक आ रही है। देखो ऐसा है, अब मैं इस पे तो नहीं कह सकता कि हमारी गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करेगी, कंट्री उनकी है, लेकिन हम किस तरीके से प्रेशर डालते हैं मालदीव के ऊपर। और मुझे लगता है कि इस टाइम पे रॉ भी जरूर इन्वॉल्व होगा मालदीव के अंदर, क्योंकि जब हमारे सिक्योरिटी का इंटरेस्ट आ जाता है तो रॉ बीच में आ जाता है, अदरवाइज रॉ हमेशा डिप्लोमेटिक इशू से दूर रहता है। अब दूसरी बात यह है कि चाइनीज स्पाई शिप, उसने जाना था, वो रेगुलर इंडियन ओशन में आता रहता है, हमारे मैपिंग करते हैं सी बेड की और सबमरीन केबल जो हमने जो अंडमान निकोबार आइलैंड पे लगाई है उसको भी जांच करते हैं, एक सिक्योरिटी रिस्क है इंडिया के लिए। इनका जो शिप था इसने जाना था कोलंबो के अंदर और श्रीलंका में, लेकिन इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाई श्रीलंका से, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका का एक एग्रीमेंट है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट है 1988 से, कि कोई एक दूसरे की लैंड को अपने खिलाफ या अपने दुश्मन के साथ यूज करने नहीं देगा। तो पीएम मोदी ने डायरेक्टली रानिल विक्रम सिंह उनसे बात की कि इस शिप को वहां ना आने दिया जाए, और उसके बाद श्रीलंका ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि 1 साल तक हमारे यहाँ कोई भी चाइनीज स्पाई वेसल वो नहीं आएगा। अब इस वेसल ने डॉक करना था श्रीलंका के अंदर, लेकिन देखा गया कि ये जो शिप था उस टाइम पे इंडोनेशिया के वाटर्स में था, और इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने इस शिप को अपने कब्जे में ले लिया और कहा कि हमारे वाटर से निकल जाओ, क्योंकि इंडोनेशिया भी इंडिया का दोस्त है और चाइना के खिलाफ है, क्योंकि चाइना अपने नेबरिंग कंट्री सबको डिस्टर्ब करता है। तो 8 फरवरी को इस शिप ने माले के अंदर आना था और ये कह रहे थे कि वहां पे सिर्फ ये रिफ्यूलिंग के लिए आएगा, लेकिन वहां पे ठहरे गए शिप और पूरा का पूरा ओशनोग्राफी के ऊपर रिसर्च करेगा, जो इंडिया के लिए कंसर्न की बात है, क्योंकि मालदीव इंडिया के बैकयार्ड पे है और हम हमारी अगर सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करेगा तो हम उसके ऊपर जरूर एक्शन लेंगे। अब देखिए मालदीव की जो मेन इकोनॉमी है वो है टूरिज्म, और इंडिया ने इसके ऊपर इंडिया के लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया। पहले इंडिया नंबर 1 पे होता था, हमारे बाद रशिया और फिर यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन जनवरी के महीने में इंडिया 5वें नंबर पे आ गया। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ से 13,000 लोग मालदीव के अंदर, हमारे यहाँ से 13,000 लोग गए हैं, रशिया के शायद 20,000 से ऊपर गए हैं, इटली से गए हैं, यूके के अंदर गए हैं, चाइना से गए हैं, और इंडिया इस टाइम पे 5वें नंबर पे है। लेकिन इंडियन बायकॉट क्यों नहीं कर रहे मालदीव को? प्रॉब्लम यह है कि जो मालदीव के अंदर जो टूरिस्ट के लिए बुकिंग करता है अगर वो कैंसिल करता है तो उसके 90% या 80% पैसे कट जाते हैं। तो जिन लोगों ने बुकिंग की हुई है वो जा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर की बुकिंग लोग नहीं कर रहे। इवन सलमान खान की एक पिक्चर की वहाँ पे शूटिंग होनी थी, वो पिक्चर को भी पोस्टपोन कर दिया गया कि मालदीव के अंदर ना हो, क्योंकि मालदीव एक डेस्टिनेशन भी था जिसको इंडिया ने प्रमोट किया। और दूसरी बात है कि मालदीव एक छोटी कंट्री है, इनके पास ऑयल नहीं है, ऑयल आप ले सकते हैं लेकिन ऑयल की रिफाइनरी कौन करेगा? ऑयल की रिफाइनिंग करता है इंडिया और उसके मालदीव को भी सप्लाई करता है,
लेकिन इंडिया के पास जो ऑयल था जो उसने मालदीव को सप्लाई करना था वो उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज को भेज दिया। अब मालदीव को ऑयल कौन देगा? चाइना का डिस्टेंस इंडिया के हिसाब से 10 गुना ज्यादा है, 8 गुना ज्यादा है। तो अगर चाइना से लेंगे तो उनको खर्चा ज्यादा पड़ेगा, और दूसरी बात है कि अगर टर्की से लेंगे तो टर्की से तो एक तरीके से जब वो देखिए एक मारने का तरीका क्या होता है। आजकल अगर कोई लड़ाई होती है तो इकोनॉमिकली हम अटैक करते हैं। पाकिस्तान के हमने ट्रेड बंद कर दी, पाकिस्तान ने ट्रेड बंद कर दी तो पाकिस्तान बर्बाद हुआ ना, पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हुई, हमारी इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ये तेल चाइना से लेंगे क्योंकि और कंट्री तो कोई पास है नहीं, और सेकंड नंबर पे जो कंट्री पास है वो है श्रीलंका, श्रीलंका भी इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है और इंडिया के साथ सिस्टम पे दोस्ती भी है, तो इनको कहां जाना पड़ेगा? पाकिस्तान तो कुछ कर नहीं पाएगा, पाकिस्तान भी दूर पड़ता है, तो चाइना से इनके पास ऑयल आएगा, उसकी कॉस्ट इनको डबल पड़ेगी। और तीसरी बात, इंडिया इनको एसेंशियल आइटम सप्लाई करता है क्योंकि इनके आसपास कोई कंट्री नहीं है, जो नजदीक सबसे कंट्री है वो इंडिया, इंडिया इनको फ्री में भी देता है। तो इनके पास अब प्याज की कमी आ गई मालदीव के अंदर, क्योंकि इंडिया ने प्याज के ऊपर बैन लगाया हुआ, लेकिन इंडिया मालदीव को प्याज सप्लाई कर रहा था, लेकिन वो प्याज इंडिया ने अफगानिस्तान भेज दिए, तो मालदीव को कुछ नहीं मिलेगा, ना इंडिया देगा ना लेगा। हमें मालदीव से तो कुछ सामान लेते नहीं है, टूरिस्ट भी हमारे वहां पे जाते हैं, और यहाँ पे अगर एनवायरनमेंट खराब होगा, जैसे इनके पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई चल रही है, जैसे ये इन्होंने कहा था कि 25 दिसंबर को यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का कोई प्रोग्राम नहीं होगा, तो धीरे धीरे आपके जो यूरोपियन है वो भी कम हो जाएंगे। और जो मालदीव के अंदर सर्दियों के अंदर जो टूरिस्ट आते हैं मोस्टली आते हैं आपके यूरोपियन कंट्री से, जैसे रशिया, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे, और मुझे लगता है कि जैसे ही सर्दी का मौसम निकलेगा तो यहाँ पे टूरिस्ट कोई आएगा ही नहीं। तो अभी टूरिस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं सूद सर, तो बॉलीवुड के लोग अभी भी इसके ऊपर इनका कोई बयान नहीं आया है, हालांकि साउथ में भी जो एक्टर है उन्होंने भी बोल दिया कि हम कैंसिल कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री को बोल के दिया। तो बॉलीवुड वालों का आपने बताया था कि ये मालदीव के जो टूर एंड ट्रेवल्स ये जो लोग होते हैं ये उनको पैसे देते हैं खुद वहां पे आने के लिए, तो क्या बॉलीवुड वालों को पैसों का इतना लालच है कि अपने देश की प्रतिष्ठा देख रहे हैं कि देश की सिक्योरिटी पे बात आ जाएगी जब चाइना वहां जाएगा, बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, तो ये बॉलीवुड वालों का असली रंग कितनी बार सामने आएगा? ये देखिए बॉलीवुड 90 मेजर मेजर जो लोग हैं बॉलीवुड के अंदर एंटी नेशनल है। आप मुझे एक आदमी बता दो जो मेजर हो, मैं नहीं कह रहा, अक्षय कुमार बहुत बार स्टेटमेंट देते हैं इंडिया के फेवर में, और मालदीव के ऊपर एक खान ने स्टेटमेंट दिया है, वो है सलमान खान। सलमान खान ने इंडिया को सपोर्ट किया, तब से मैं सलमान खान का फैन हो गया हूँ कि इंडिया के साथ पहली बार खड़ा तो हुआ। लेकिन शाहरुख खान, आमिर खान ये कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इंडियन है ही नहीं, इनका जो खून का रंग है किसी का पाकिस्तानी है किसी का टर्की है। अगर इनका खून हिंदुस्तानी होता तो राम मंदिर को प्रेस करते, क्योंकि इनकी पिक्चरें देखने जाते हैं हिंदुस्तानी, हिंदू के लोग जाते हैं, हिंदू जाते ज्यादातर, और इनका खून का रंग अगर पाकिस्तानी है टर्किश है तो हिंदुस्तानियों को इनकी पिक्चरों को बैन करना चाहिए। लेकिन सलमान खान की एक पिक्चर द बुल, उसकी शूटिंग होनी थी मालदीव के अंदर, उसको पोस्टपोन कर दिया उन्होंने कि जब तक यहाँ सिचुएशन ठीक नहीं होगी हम यहाँ पे शूटिंग नहीं करेंगे, जब तक प्रो इंडिया के सेंटीमेंट्स चेंज नहीं होंगे या प्रो इंडिया सेंटीमेंट्स नहीं आएंगे तब तक हम इस पिक्चर की शूटिंग नहीं करेंगे। तो सलमान खान से तो जरूर यहाँ पे रिस्पॉन्स आई है, बाकी किसी से नहीं। हमारे क्रिकेटर्स बहुतों ने, पांड्या ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया, इनके ऊपर सहवाग ने दिया, लेकिन कोहली उसकी स्टेटमेंट नहीं आई। कोहली रेगुलर यहाँ जाता रहता है, मैं कोहली को कभी पसंद नहीं करता क्योंकि इसके अंदर नेशनलिज्म है ही नहीं विराट कोहली के। उसी तरीके से आप फिर ये बात, वैसे तो बड़ी स्टेटमेंट देते हैं बहुत बारी है। पाकिस्तान को प्रेस करते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इनकी फॉलोइंग भी है कोहली की, लेकिन उसी लिए फॉलोइंग है कि ये इंडिया के बारे में कोई बात नहीं करता, इंडियंस के बारे में कोई बात नहीं करता। और ये जो लोग हैं, रोहित शर्मा हो चाहे आपका रोहित विराट कोहली हो चाहे धोनी हो, ये ना तो आपके प्राण प्रतिष्ठा में गए 22 जनवरी को जब इनको इन्विटेशन दिया गया था, ना इन्होंने कोई स्टेटमेंट दी ना कोई ट्वीट किया, क्योंकि ये मुस्लिम अपीजमेंट में बिलीव करते हैं, इनको लगता है कि मुस्लिम इनको फॉलो करते हैं इंडिया के अंदर भी इंडिया के बाहर भी, शायद यही रीजन होगा, या इनको लगता है कि हम अगर इसे अब प्रेस करेंगे तो शायद हमको कुछ पैसा भी देना पड़े, क्योंकि कंजूस लोग हैं ये। मतलब अगर आपके राम टेम्पल के ऊपर अगर आपको पैसा देना पड़े तो उससे बचते हैं, इसलिए इसके ऊपर कोई बात नहीं करते, ना इन मालदीव के ऊपर बात करते हैं। अच्छा सुन सर, मैं एक बात यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने सलमान खान का जिक्र किया कि सलमान खान के ऊपर कई और पीछे से केसेस उसके खुलने का दबाव है, और जो सलमान खान की स्टेटमेंट आई थी ना, टू बी वेरी प्रिसाइज, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री का विरोध किया गया था ना, सलमान खान की स्टेटमेंट उससे पहले की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वहां फोटो आई थी कि वो लक्षद्वीप घूमने गए हैं, तब स्टेटमेंट आई थी कि लक्षद्वीप इज अ गुड प्लेस, आई थिंक वी शुड गो देयर। उसके बाद
जब वहां पे उन्होंने उधर से लक्ष्य क्या नाम है आपका मालदीव से उन्होंने विरोध किया, हमारे देश के बारे में बोला, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोला, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, एक चूं तक नहीं निकली है सलमान खान की भी, इसलिए बिल्कुल मैं इसमें थोड़ा सा विरोध लेकिन चलो जताऊंगा। बिल्कुल ठीक है, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बात है, हमारे को इस सब चीज पे एग्रीमेंट भी नहीं होना चाहिए ना, लेकिन फिर भी इन्होंने लक्षद्वीप के ऊपर स्टेटमेंट तो दी, और लक्षद्वीप पे स्टेटमेंट देने का मतलब था कि अगर लक्षद्वीप पे हमारा जो टूरिस्ट जाने की बात होती है, वो डेवलपमेंट होती है, तो मालदीव को इम्पैक्ट करेगा। बोले तो सही कुछ, लेकिन बाकी तो कोई बोले नहीं, शाहरुख खान तो बोला नहीं, आमिर खान तो बोलेगा नहीं, क्योंकि ये कोई पहले नहीं, टर्की चले गए, तो आमिर खान तो टर्किश है, वो टर्की की प्रेस करता है, और टर्की वो कंट्री है जो इंडिया के खिलाफ चलती है, इंडिया के अंदर इवन कश्मीर के अंदर टर्की को के लोगों को सपोर्ट, टर्की सपोर्ट करता है जो मिलिटेंट्स को पाकिस्तान की तरह, और टर्की हमेशा कश्मीर का इशू यूएन के अंदर भी लेके जाता है। तो कुछ भी कहिए, लेकिन चलो स्टेटमेंट तो दिए, शाहरुख खान भी स्टेटमेंट देता कि हम लक्षद्वीप जाएंगे, आमिर खान दे देता, लेकिन देंगे नहीं, विराट कोहली कह देता लेकिन नहीं कहेगा। सुन सर, ये जो शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, विराट कोहली, धोनी, ये सब लोग आपने कहा ना कि इस तरीके के लोग मुस्लिम अपीजमेंट में बिलीव करते हैं, अपीजमेंट में, लेकिन चक्कर क्या है ना, ये सबको पता है, जैसे कांग्रेस को पता है ना कि हिंदू तो कहीं जाएगा ही नहीं, दूसरे हैं उनको खुश रखो बस, क्योंकि हिंदू बस बस सोचते हैं कि भैया ठीक है कोई बात नहीं, टेक देम फॉर ग्रांटेड, ग्रांटेड, वो वाली बात हो बिल्कुल जाती लेते है। हैं, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे हमें ग्रांटेड। शाहरुख खान की हम बात करें, ये पहले भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था, वो बंदा दिखाता है कि हिंदू धर्म में बहुत विश्वास रखता है, तीन तीन बार वो गया था, लोग कह रहे यार वो तो तीन बार माता पे भी गया था, वैष्णो देवी पे भी गया था, अरे तीन उसकी मूवीज रिलीज हुई थी पिछले साल, इसलिए गया था, अगर उसको हिंदुओं का इतनी रिस्पेक्ट होती, राम मंदिर पर जाने की बात छोड़ो, उसको तो बुलाया नहीं क्योंकि उसकी उतनी औकात नहीं है कि वहां पे उसको बुलाया जाए, एक कम से कम बधाई तो दे सकता था कि चलो कोई बात नहीं, जो भी फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, सारे हिंदू भाई बहनों को हमारी तरफ से बधाई, बिल्कुल नहीं आया। बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल नहीं, चलो कोई नहीं, इनके एक्चुअली क्या है कि इनकी इनकम के दूसरे सोर्सेज हैं, ये जो पैसा इनको मिलता है ना पिक्चरें तो प्रमोशन कर लेते हैं, किस तरीके से नकली दिखा देते हैं कितना पैसा मिला है, या बाहर की कंट्रीज के अंदर इनकी सर्कुलेशन चलती है, लेकिन जो इनको मेन इनकम है वो पिक्चरें फेल हो तब भी दिखाते हैं, पास हो गई, पैसा अपनी जेब से लगा के प्रमोट करते हैं, लेकिन इनको जो मेन पैसा आता है वो है इनकी जो प्रमोशन होती है, या बेसिकली ये एड आते हैं इनके, और जब यहाँ के लोग इनके ऐड देखना बंद कर देंगे तो इनको अपनी औकात समझ आ जाएगी, जो आज पेंट में घूमते हैं, जीन में घूमते हैं, कच्छों में घूमेंगे, मैं बता दूं एक बात, और हमको इनको घुमाना भी चाहिए अंडरवियर के अंदर, उसी में काबिल लगते हैं ये। तो फिलहाल मालदीव की अगर हम बात करें, तो जैसा आपने बताया कि सिचुएशन वहां पे खराब हो रही है, और आशा करते हैं कि दबाव जो उन पर बन रहा है चारों तरफ से, उनके देश में भी बनाया जा रहा है, सिर्फ भारत ही नहीं बना रहा है, उनके देश में भी उनके खुद के लोग बना रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक बच्चे की जान इसलिए नहीं बचाई गई क्योंकि वो भारत द्वारा दिया गया हेलीकॉप्टर था, ये अपने में बहुत ही ज्यादा दुखद है, और हम आशा करते हैं कि जो भी वहां पे जल्दी से जल्दी नया प्रेसिडेंट बने और भारत और मालदीव के जो संबंध है वो पहले से बेहतर हो सके। पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए और जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, मेरा भारत महान।